दोस्तों आज की कहानी है मेरी विधवा सास पूजा में बैठेगी। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अजय की एक कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी। अजय के घर वाले एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कराना चाहते थे। अजय के घर परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई विजय, भाभी रेखा, बहन रीना, बुआ शीला और दादी कमला रहते हैं। पिताजी की मृत्यु तभी हो गई थी जब अजय 11वीं में था। अजय के लिए बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अजय का मन तो कहीं और ही लगा था। वो हर रिश्ते में कोई ना कोई बुराई निकाल कर मना कर देता था। तंग आकर भाभी ने पूछ ही लिया, भैया अगर कोई और पसंद हो तो बता दो, क्यों घर वालों को और लड़की वालों को परेशान कर रहे हो। अजय जान गया था कि अब सही वक्त आ गया है घर वालों को रूसी के बारे में बताने का। रूसी अपनी पढ़ाई पूरी करके फैशन डिजाइन का कोर्स कर रही है। घर की इकलौती लड़की पिता पुलिस डिपार्टमेंट में उस पद पर है, पर बचपन में ही माँ का साया सर से छीन लिया गया था। रूसी और अजय की मुलाकात का किस्सा बहुत रोचक है। अजय जहाँ बहुत ही शांत स्वभाव का है, वहीं रूसी बहुत ही संसल स्वभाव की है। दोनों की मुलाकात एक फ्रेंड की शादी में हुई थी। अजय अपने दोस्त अनुज की तरफ से था और रूसी लड़की वालों की तरफ से, यानी कि गीतू की सहेली थी। अनुज ने ही गीतू को बोल के दोनों की बात करवाई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों में तय था कि जैसे ही अजय को नौकरी मिल जाती है वैसे ही वो दोनों शादी की बात करेंगे। आज वो टाइम आ गया था। अजय ने अपने घर में रूसी के बारे में बता दिया। रूसी से तो किसी को परेशानी नहीं थी, पर उन्हें ये डर था कि इतने अमीर बाप की बेटी कैसे इस परिवार की जिम्मेदारियां संभालेगी। दोनों बच्चों की मर्जी से शादी भी तय हो गई। दोनों खुश हैं। आज वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी के बाद रूसी घर में आई, सबने खुशी खुशी उसका स्वागत किया, सारी रस्में हो गई। लेकिन रूसी की नजर अजय की माँ को ही खोज रही थी। बिन माँ की बेटी अजय की माँ में अपनी माँ को तलाशना चाह रही थी, पर माँ का कहीं अता पता नहीं था। रूसी ने ये सोच के तसल्ली दी खुद को कि हो सकता है माँ घर के कामों में व्यस्त होगी। दूसरे दिन सत्य नारायण की कथा होनी थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी को साथ में पूजा में बैठना था। रूसी ना धोकर पूजा में बैठने के लिए तैयार होने लगी। उस वक्त भी सोच रही थी कि अगर माँ जी आ जाए तो मेरी थोड़ी मदद कर देगी साड़ी पहनने में। तभी बुआ जी ऑर्डर देते हुए आई कि जल्दी से नीचे आओ तैयार होके। रूसी जैसे तैसे साड़ी पहनी और तैयार होकर पूजा में बैठने आ गई। उस समय भी वो अपनी सास को ही खोज रही थी। उसने अजय से पूछा, अजय मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो। तभी अजय के बोलने से पहले ही बुआ जी बोल पड़ी, रूसी तुम्हारी सासू माँ अपने कमरे में है, ऐसे शुभ काम में विधवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ये सुनते ही रूसी को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपनी सास के कमरे में जाकर उनका हाथ पकड़कर पूजा वाले स्थान पर ले आई। अजय की माँ ने रूसी को बहुत मना किया लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। बुआ जी रूसी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा हुई। हे भगवान, ये लड़की आते ही अपने साथ मनमानी शुरू कर दी। अरे कोई शर्म है या नहीं, ये कोई ना कोई अनहोनी करवा के ही रहेगी घर में। बड़ों की बात में और रीति रिवाजों में दखल देना यही सिखाया गया है क्या तुम्हारे घर में।
पंडित जी भी घोर कलयुग कहकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इतने में रूसी की जेठानी भी बोल पड़ी, देख लो नए जमाने की बहू लेकर आए हैं, अब इस घर के तौर तरीके बदलने वाले हैं। सबकी बातें सुनकर रूसी ने सबसे कहा, सुप रहिए, आप सब ऐसे अंधविश्वास को एक घर की रीति का नाम दे रहे हो। एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है जब उनके बेटे या बेटी की शादी होती है। आज आप माँ को उस खुशी से ही दूर कर रहे हो। अरे कितनी मन्नतें मांगी होगी एक माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए, तो उनके कारण घर में अनहोनी कैसे हो सकती है। पिताजी के जाने के बाद वैसे ही माँ अंदर ही अंदर कितना घुट रही होंगी, और आप लोग उन्हें खुश रखने की बजाय उनकी खुशियां सीन रहे हो। मेरी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, फिर भी मेरे पापा हर पाठ पूजा में शामिल होते थे, उनके लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं था। क्या ये नियम सिर्फ औरतों के लिए ही बना है? मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं इन सब अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखती। अगर इसे नए जमाने की बहू कहते हैं तो हाँ भले कहिए, मैं हूँ नए जमाने की बहू। फिर उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी बचपन में माँ के चले जाने के कारण मुझे हमेशा ही एक माँ की जरूरत थी। मुझे लगा कि आपके रूप में मुझे माँ मिलेगी, मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन आप ही मेरे लिए असली माँ हो। आप मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहेगी, आपकी दुआ और प्यार हमें हर अनोनी से बसा लेगा। रूसी ने अपनी सास के पैर छुए, सास ने भी अपनी बहू को गले से लगा लिया। रूसी की बातों ने सबकी आंखों में लगी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया था। फिर से पूजा शुरू हुई माँ के साथ। दोनों अपने आने वाले समय के लिए भगवान की पूजा कर रहे थे, और माँ आंखों में आंसू और दिल में सुकून लिए अपनी नए जमाने की बहू को देख रही थी। उस दिन के बाद घर में चाहे कुछ भी शुभ काम हो जाए, पर माँ को अलग नहीं रखा जाता था, सब साथ में मिलकर ही शुभ कार्य करते थे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।